अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से बरेली मंडल का नितिन महाराज को बनाया गया मंडल अध्यक्ष। औला नगर में एक पहचान सोमेश दयाल उर्फ छुट्टन महाराज के नाम को आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र नितिन महाराज ने किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन की ओर से उन पर विश्वास जताते हुए उनके लिए बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जिससे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ संगठन से जुड़े सभी ब्राह्मण समाज में खुशी का माहौल है। वह हमेशा ब्राह्मण समाज की बात को निष्पक्षता के साथ उठाते रहे हैं एवं गंभीरता से मंथन कर समाज को एकजुट रहने के लिए सभी तरह के प्रयास करते हैं। इस विषय पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी बदायूं सिरौली मार्ग पर। एक ब्राह्मण दंपति अपने परिवार के साथ अपनी सवारी से जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने रोककर उनके साथ मारपीट एवं गाली गलौज की गई थी। इस वीडियो को लेकर कुछ दिन से ब्राह्मण समाज न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ था, लेकिन उन दबंग लोगों की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। किसी तरह वह वीडियो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा समाज के ग्रुप में पढ़ने से तत्काल नितिन महाराज ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर दबंग लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर उनके साथ राजेंद्र पाल शर्मा, विमल कांत शर्मा, आलोक शर्मा, संत प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। बधाई देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री मुकेश महाराज, मंडल अध्यक्ष महिला नीलिमा पाठक, योगेश शर्मा उर्फ लल्ला, संतोष गौड़, ऋषभ शर्मा, अभिषेक मिश्रा, आशीष शर्मा, अरविंद शर्मा, ब्रह्मानंद शर्मा, राजेंद्र पाल शर्मा, राकेश शर्मा, हरिप्रकाश पाठक आदि ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। आज दिनांक 22/8/2024 को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके संबंध में जांच कराने पर पता चला कि दिनांक 19/8/2024 को दो पक्ष अपने कार से जा रहे थे, आपस में ओवरटेक को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा अपने साथियों को बुलाकर कार सवार दंपति का पीछा करके उनको रोककर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी लोगों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।